एसबीआई इको रैप की रिपोर्ट क्या कहती है तीसरी लहर के बारे में? 5% गंभीर मरीज हो सकते हैं। अभी जो गंभीर मरीज थे वो 5% से कम थे, लेकिन 5% गंभीर मरीज हो सकते हैं और मृत्यु दर 0.2% रहने की आशंका है, ये कह रही है एसबीआई की इको रैप रिपोर्ट 12 से 18 साल के करीब। और ये बच्चों के बारे में, ये सबके बारे में नहीं, बच्चों के बारे में। 12 से 18 साल के करीब 17 करोड़ बच्चे हैं इस देश में, और उसमें जो बच्चे आएंगे उनमें 5% गंभीर हो सकते हैं, मृत्यु दर 0.2% रह सकती है, और वैक्सीनेशन ना होने से बच्चों पर खतरा ज्यादा है, क्योंकि अभी तक हमारे पास बच्चों का कोई टीका है नहीं और हम 18 साल से नीचे वालों को वैक्सीनेट कर नहीं रहे। बच्चों को जल्द वैक्सीनेट करना होगा, ये एसबीआई की रिपोर्ट कह रही है, और वो कह रहे हैं कि अगर बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया तो ये हमारे लिए एक चिंता का कारण हो सकता है। मैं अब डॉक्टर सिन्हा आपको लाना चाहूंगा, डॉक्टर सिन्हा, क्योंकि थर्ड वेव वहां आ चुकी है, आपने बताया, जैसा कि आपने खुद कंफर्म किया, बच्चों को लेकर क्या आपके पास वहां का अनुभव है सर? नहीं, अभी अभी तो यूके में पाया गया है कि बच्चों में जो केसेस हुए हैं बहुत कम हुए हैं, और जो भी हुए हैं उन लोग को बचाया गया है, और ज्यादातर जो सीरियस थे और ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक हुए हैं, जो कि उन लोगों को कुछ करना नहीं पड़ा और घर में ही, घर के होम आइसोलेशन में ही उन लोग ठीक हो गए। इसलिए अभी हम लोग बहुत चिंता बच्चों के ख्याल से नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बातचीत हो रही है जरूर। और आप तो जानते हैं कि फाइजर वैक्सीन जो यूके में है, तो मैं आपकी इस बात को, मैं आपकी बात में एक और सवाल जोड़ता हूं डॉक्टर सिन्हा। देखिए, यहां इंडिया में भी पीडियाट्रिक एसोसिएशन कह रहा है कि केवल बच्चों को खतरा होगा ऐसा नहीं है, खतरा सबको होगा, और बच्चों पे आप ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि बच्चे ही केवल उससे प्रभावित होंगे। नहीं, आप सही कह रहे हैं, सिर्फ बच्चे ही प्रभावित नहीं होंगे, और हम लोग तैयारी कर रहे हैं यूके में भी, और आप सही कह रहे हैं, इंडियन एसोसिएशन ऑफ पीडियाट्रिक्स में अभी मैं कुछ दिन पहले सुन रहा था, उसमें 35,000 डॉक्टर्स हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स हैं, इन लोग तैयारी कर चुके हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि ठीक है, जैसी भी लहर हो, लेकिन अगर तैयारी पहले से हो गई हो तो वो सबसे बड़ी बात है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से यहाँ हम लोग तैयार हैं यूके में, और फाइजर वैक्सीन हम लोग के पास है सर, मुझे जहां तक पता है 21 तारीख से आपको ब्रिटेन में अनलॉक होना था, वो भी टाल दिया गया, तीसरी लहर को देखते हैं। नहीं, अभी नहीं टाला गया, लेकिन टालने की पूरी संभावना है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और हमको लगता है कि वो जो लेवल 4 हम लोग का यहाँ पर है अनलॉकिंग, वो पोस्टपोन्ड होके रहेगा, क्योंकि सारे साइंटिस्ट यहाँ के यही बोल रहे हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारत वर्ष पर।